पूरे देश में पारसनाथ मंदिर को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं और पारसनाथ जो है जैन धर्म से जुड़ा एक बड़ा धार्मिक स्थल है। आखिर क्या वजह है, किन कारणों से आंदोलन हो रहे हैं और रांची में कल भी जो है एक भव्य जुलूस निकलेगा, मौन जुलूस निकलेगा, और क्यों निकाला जा रहा है, क्यों आंदोलन हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ जैन समाज के जो लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अजय जी से बात करेंगे। अजय जी, ये थोड़ा बताएं कि पारसनाथ मंदिर का जो क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा तमाम लोग जानें। पारसनाथ हमारे 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है, और वो जिस तरह अपने मुसलमान भाइयों का मक्का मदीना है, हमारे सिख भाइयों का स्वर्ण मंदिर गुरु गोविंद सिंह, उसी तरह से हम लोगों के जैन भाइयों का, पूरे विश्व में जैन भाइयों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल पारसनाथ तीर्थ स्थल है। देखिए, इतना उस तरह की पुराना पारसनाथ के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें जो अपने स्टेशन का नाम है वो भी पारसनाथ स्टेशन है। तो ये लगातार आंदोलन हो रहे हैं, कल दिल्ली में भी हुआ है और 31 तारीख को अल्बर्ट का चौक में भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। क्या कारण है कि विरोध हो रहा है, क्या वजह है? ये हम लोग भगवान महावीर के अनुयायी हैं, हम लोग पूर्णतः शाकाहारी हैं, हमारे धर्म में मांस मदिरा इस पर निषेध है, और कल अगर पर्यटन क्षेत्र खुल जाता है तो ये सब चीज़ें वहाँ पर लागू हो जाएगी। इसलिए हम लोगों का मानना है कि इसे पर्यटन क्षेत्र नहीं बनाया जाए, इसको पवित्र धार्मिक स्थल घोषित किया जाए। ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये कब राज्य सरकार कब भेजा, केंद्र सरकार ने कैसे तमाम, ये थोड़ा बताएंगे कब? ये 2019 में तत्कालीन राज्य सरकार ने इसको पर्यटन स्थल क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने इसे पास कर दिया। बहरहाल ये हमारा मैटर नहीं है, केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, हमारी तो ये मांग है कि हमारा आस्था पर चोट है अगर ये पर्यटन स्थल घोषित हो जाता है तो, ये हमारे आस्था पर चोट है, क्योंकि हम लोग पूर्णतः, आपको मैंने पहले ही बताया कि शाकाहारी हैं, मांस मदिरा हमारे यहाँ पूर्णतः बैंड है। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि इसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र स्थल घोषित किया जाए। इसको लेकर झारखंड के जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी खत लिखा। देखिए, कल इसी क्रम में हमारा मौन जुलूस जो है सुबह 9:30 बजे से दिगंबर जैन मंदिर से शुरू होकर राज्यपाल के पास जाएंगे कुछ लोग, और अपना ज्ञापन देंगे कि इस चीज़ पे जो हमारी आस्था का केंद्र है, जहाँ से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, उस स्थिति में हमारे जो स्थल है, मोक्ष स्थल ही है, उसे पर्यटन स्थल का दर्जा न देकर धार्मिक तीर्थ क्षेत्र स्थल ही रहने दिया जाए, ताकि लोगों की भावनाएँ आहत न हो और हमारी पवित्रता, जैन लोग जो हैं वो अहिंसक होते हैं, बहुत सारी हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शंस है, उन सभी पवित्रता को यहाँ नष्ट पहुँचने की पूरी संभावना रहेगी अगर इसे पर्यटन क्षेत्र में तब्दील कर दिया जाएगा। तो हमारा नम्र निवेदन है सरकार से कि जो यथावत स्थिति थी पहले, सदियों से यह हमारा जो है तीर्थ क्षेत्र रहा है, यहाँ आस्था का केंद्र रहा है, पूरे देश विदेश से लोग यहाँ हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं, तो जो हमारी आस्था का मुद्दा है, केंद्र है, कम से कम उसके साथ खिलवाड़ न करके इसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल न घोषित किया जाए। यहाँ राज्यपाल को आप लोग पत्र देंगे क्या, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे? कुछ डेलीगेट्स हैं जिन्होंने पहले ज्ञापन दिया हुआ है, इस क्रम में हमारा ये जो प्रयास है वो निरंतर चलता रहेगा और इसी क्रम में कल हम लोग कर रहे हैं मौन जुलूस। देखिए, पारसनाथ जो है जैन समाज का, जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है, वहाँ 20 जो तीर्थंकर जो हुए हैं वो वहाँ मोक्ष प्राप्त किए हैं, और अब मुख्य मुद्दा ये है कि पारसनाथ को जो है जो पर्यटन स्थल में तब्दील करने की जो बात कही गई है, उसके विरोध में पूरा जैन समाज है और एक ही मांग है कि इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में रहने दिया जाए, ताकि इसकी जो पवित्रता है, इसमें आस्था जो है वो बना रहे। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ अंजनी कुमार, रांची।